तो आगे यांकी आप भी बता दीजिए किस टीम को, किस टीम के साथ आप जाना चाहेंगे इस मैच में। देखिए सवाल काफी बढ़िया कर लेते हैं आप, लेकिन इस मुकाबले में मैं टीम एक्स पाक के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो स्टार्ट उनको मिल नहीं पा रहे हैं बेहतर। पिछले मुकाबले में हमने देखा फिनिशेस तो उन्होंने काफी बढ़िया निकाले, तो देखते हैं कि ये मुकाबला उनका कैसा जाता है। बट अभी के लिए अगर आप फ्लाइट पाथ की बात करें, एक वर्टिकल सा फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिल जाएगा, सेवनी से चलता हुआ सोस्नोव का मिलिट्री बेस आएंगे। बट इसी बीच गमला बॉय उनको डाउन किया जा चुका है, कॉमराज की बात करें वो भी डाउन है, और अब पुकार वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, और टीम डब्ल्यू एस बी वो काफी आसानी से इन किंग्स ऑफ पोचिंग की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये कि अब वो एक जो आखिरी खिलाड़ी पुकार बचे वो क्या कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। एक बहुत टफ चैलेंज उनके सामने रहने जरूर वाला है, क्योंकि लूट उनके पास है नहीं, यूटिलिटीज उतनी ज्यादा मौजूद रहेगी नहीं, इवन हेलमेट भी उनके पास नहीं है। वहीं डब्ल्यू एस बी उनको एग्जैक्टली लोकेशन पता है कि कहाँ पे है एंटिटी के पुकार, और ऐसे में टीम एंटिटी एक अर्ली एलिमिनेशन के बहुत करीब। वैसे भी जब आपके पास कॉम्पैक्शन शॉटगन की जरूरत नहीं पड़ी, शॉटगन की जरूरत नहीं पड़ी बुलेट्स की, बट कहीं ना कहीं टीम एक्स पाक वो इच्छुक थे, वो चाहते थे कि थोड़े दो दो हाथ हो जाते, बट मुझे लगता नहीं कि मनोकामना यहाँ पे पूरी होंगी। निंजा जॉर्ड यहाँ पे जरूर एक देख को गिराते हुए आपको नजर आएंगे। वेनम इज डाउन, ये एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, इनफैक्ट दो झटके यहाँ पे लग चुके हैं। दो मैंने देखा, एक नॉक निकालते ही सविता वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, बट प्रे गॉड अभी यहाँ पर मौजूद है। एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर है, थोड़ा समय बाय किया है कि वो जो रिवाइवल से वो इनिशिएट किए जाए, इस्तेमाल किया गया, और मैक्स उनको अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी ही पड़ेगी। और व्हाट प्रे गॉड ये करने की क्या आवश्यकता थी, इतना ज्यादा ओवर कमिट उन्होंने कर दिया। इंस्टेंटली उनको टेकडाउन किया जरूर गया है, बट अब देखना ये कि क्या एक और ट्विस्ट। निंजा जॉर्ड को रिवाइवल मिल चुका है, बट एचपी इतनी ज्यादा नहीं, ये शुरुआती फाइट है, भूलना नहीं चाहिए हम सबको कि लूट इतनी ज्यादा आपके पास होती नहीं है। और एस12 के साथ क्या बटुक भी कर पाएंगे, दोनों साथ में भी नहीं खेल रहे, दोनों अलग खेलते हुए। निंजा जॉर्ड दूसरे कमरे में थे, वो कवर देने के लिए तो वहां पे थे भी नहीं। He is now the last man standing, but you know what? Tanking Kevin Esports का आगमन होता हुआ एक अच्छा निर्णय फिल्म को करा जाएगा। Now Ninja Jord takes two. He is doing things today in a different manner. क्या Ninja Jord ये अगला जोन का जो शिफ्ट है शायद अब वही बताए कि आगे क्या होने वाला है। But meanwhile team blind एक बार फिर से कंट्रोल के सेंटर में आ चुके हैं। चलिए Dragon Esports को कुछ अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर जरूर रहे थे। जिम जैम का एक बढ़िया जो कवर फायर है वो भी आएगा, और अब मेडल ईस्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि एक खिलाड़ी नॉकआउट उन्होंने किया जरूर है, बट अभी भी मेडल ईस्पोर्ट्स आउटनंबर्ड है, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मात्र एक ही खिलाड़ी है, तो चोक गॉड इन्फॉर्मेशन है नहीं ड्रैगन के पास। कोशिश बहुत अच्छी करे इस तरह के केओस में किसी भी स्प्रे को अंजाम तक पहुंचाना, बिकॉज गाड़ियां बहुत तेजी से मूव कर रही है। मान्या को यहाँ पे नॉक करा गया है, एरोबोट्स, ये अलग ही बैटल चल रही है, कोई फाइट कर ही नहीं था एंकी, तो गाड़ियां ही चलती जा रही है, और फाइनली वो प्लेयर आके रुके, उन्होंने रोनी को खत्म कर दिया। मान्या यहाँ पे डाउन है, दो प्लेयर्स यहाँ पे बचते हुए, आई को सोल पूरी तरह से बैकफुट पे, और शायद ये कंसिस्टेंसी के ऊपर एक बड़ा फुल स्टॉप वो नजर आएगा। और अब यहाँ से सर्कल के अंदर का जो सफर है वो उनको भी तय करना है। एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर है, और वो आगे बढ़ रहे हैं, डीपीएस उनके हाथ में मौजूद, और चलिए कुछ खास मौका के द्वारा स्पॉट किया गया। शॉट देने की कोशिश अभी भी उनकी तरफ से, जोकर ने आखिरी मिनट में नॉक भी निकाला। ड्रैगन अभी भी वहां पे है, लियो वाइटी ऊपर से आने की कोशिश करते हुए, तो उसको भी यहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाला जाएगा। और एरोबोट के प्लेयर्स अब वो भी पुश करते हुए सीएस के ऊपर, मुश्किलें एरोबोट की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। स्पाई मात्र एक खिलाड़ी जो यहां पे सरवाइव करेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं मौजूद है, वो रहने वाली है टीम ओरैंगुटेन। क्या ये वो मुकाबला रहेगा जहां पे सेकंड रन इनका आने वाला है? मुकाबला था आज के दिन पे जहां पे कभी भी वहां पे ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हाइड्रा की तरफ से, वहां पे ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हाइड्रा की तरफ से नेड जरूर डाले जा रहे हैं। ये नेड अगर सही जगह जाता तो शायद वो नॉक मिलता, बट रिकोशे ओके वो आ गया, और नाउ ए यू गो ट्रिगर द्वारा स्पॉट किया गया उनको, एक नेड के द्वारा खत्म भी किया। वो पांच फिनिशेस निकाल चुके हैं, जिसमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीन तो उन्होंने ग्रेनेड से ही निकाले हैं। चलिए आपने नेड का नाम लिया, एक और नेड का नॉक आया, फियर्स वहां पे होंगे डाउन। अब देखिए तो उसे कितनी शातिराना तरीके से बाउंस कराया जा रहा है, स्मोक्स को, नेड्स को डाला जा रहा है, वो पुश करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज है। चलिए पियर्स उनका भी समापन, सोल के जोकर यहाँ पे देंगे, एंड इसी के साथ रेवेनेंट के प्लेयर्स को एक एक करके खत्म भी किया गया। दोनों टीम्स ने एक एक फ्राग वहां पे निकाला, जोकर पांच फ्राग्स अब इनके हो चुके, टोटल नो फ्राग्स इस टीम के पास है। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा नकुल को अभी तो मिस नहीं कर रहा है आईक्यू सोल के प्लेयर्स, बिकॉज जोकर इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट कहीं ना कहीं एक चिकन अभी भी इनसे दूर, एक टू आईक्यू सोल के पास।
जी, और अपने आप को प्रूव किया है जोकर ने पूरी तरीके से। हम बात करते रहते कि अगर फिफ्थ प्लेयर वो बहुत टाइम तक खेले और क्या यहाँ पे कुछ पलटवार कर सकती है टीम, आइको सोल उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 4v2 से 2v3 की सिचुएशन तक का सफर तो उन्होंने तय कर लिया है टीम। और ओरैंगुटेन वैसी कोई भी गलती यहाँ पे करना चाहेंगे नहीं, और जिस प्रकार से ये जोड़ी चल रही है एस पावर और जोकर की, मुझे लगता है कि मुश्किलें जरूर से पैदा हो सकती है टीम ओरैंगुटेन के लिए। ट्रिगर वो ब्रोकन बॉल के पीछे जाते हैं, लेकिन एक और ग्रेनेड आएगा, एक के ओपी उनको भी टेक डाउन किया गया। ये सुपर पावर है टीम आइको सोल की, जो यहाँ पर एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए, बट अभी भी टीम ओरैंगुटेन एक बॉल का है, रास्ते में स्मोक्स बिखर चुके हैं, बट क्या यहाँ पे एक और नॉक आ सकता है, शिकार बना सकते हैं। डैमेज दिया काफी ज्यादा डैमेज एक ओपी के तरफ वो देते हुए, क्योंकि दो और नेड है उनके पास, बट विस्कॉर्ड उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। मोलोटोव आई जरूर है, बट जोकर बचेंगे उस मोलोटोव से, एक ओपी भी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। एश इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जोकर को देखा समझा परखा, डैमेज भी वहां पे दिया, बट वो काफी नहीं था, और पुश करते हुए एक 2v1 सिनेरियो के अंदर, एंड हियर यू गो आइको।